السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا معزز علماء كرام حاضرين مجلس خواتین ملت جیسا کہ آپ نے سنا کہ مخالفین کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسے ہونا چاہیے اس موضوع پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلی بات کہ مخالفین میں اہل سنت والجماعت کے غیر مسلم بھی ہیں اور ان کے مخالفین میں اہل بدعت بھی ہیں تو یہاں اس خطاب میں جو مخالفین مراد ہیں وہ اہل بدعت ہیں اسی لیے غیر مسلموں سے ہم آج کی گفتگو میں تعرض نہیں کریں گے بلکہ اہل قبلہ یا امت الاجابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہیں تو آج کی گفتگو ہم انہی پر منحصر کریں گے انہی سے متعلق ہوگی اہل قبلہ میں دو قسم کے مسلمان ہیں ایک وہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ جن کو اہل بدعت کہا جاتا ہے اس تقسیم کی جو اصل ہے وہ حدیث الافتراق کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی فرقے ہلاک ہونے والے تباہ اور برباد ہونے والے صحابہ نے سوال کیا صحابہ نے پوچھا کہ نجات پانے والا وہ فرقہ کون سا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کو اگر کوئی اپناتا ہے اس منہج کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہونے والا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی تقسیم کی پیشنگوئی کی کہ یہ امت فرقوں میں بڑھ جائے گی
एक फिरका फिरके नाजिया और बाकी फिरके हिलाक होने वाले, तबाह और बर्बाद होने वाले, जहन्नम के रास्ते पर चलने वाले। वो एक फिरका अहले सुन्नत वल जमात का फिरका कहलाता है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का फिरका ये कहलाता है कि ये सहाबा के मनहज को इख्तियार करने वाले, नबी की सुन्नत पर चलने वाले, इज्तिमाईयत को बरकरार रखने वाले। उसके बिलमुकाबिल जो फिरके हैं सुन्नत की मुखालफत करने वाले, उम्मत में इख्तिलाफ और तफरका डालने वाले, सहाबा के मनहज को तर्क करने वाले। तो यहीं से ये बात हमें मालूम होती है कि ये जो तफरीक है अहले सुन्नत वल जमात और अहले बिदअत व दलाल, इस तफरीक की असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। ये मालूम करने के बाद कि उम्मतुल इजाबा में दो किस्म के मुसलमान हैं। मुसलमानों की पहली किस्म वो जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है और मुसलमानों की दूसरी किस्म वो जिनको अहले बिदात कहा जाता है। बिदात किसको कहते हैं? बिदात कहते हैं कि दीन में ऐसा नया काम, ऐसी नई चीज ऐजाद करना जिसकी असल किताब सुन्नत और सलफ से ना हो। जिसने भी दीन में नया काम ऐजाद किया जिसकी असल न कुरान में मिलती है न सुन्नत में मिलती है और न ही सलफ से मिलती है, ऐसी नई चीज ईजाद करने को, नई चीज को बिदात कहा जाता है। दुनियावी उमूर में जो नई चीजें ईजाद की जाती हैं, नई चीजें बनाई जाती हैं, उनको बिदात नहीं कहा जाता। आपने देखा होगा कि दौरे हाजिर में जितनी तरक्की दुनियावी उमूर में हो चुकी है उतनी तरक्की साबका अदवार में नहीं थी। नई नई चीजों का ईजाद किया जाना, नए नए वसाइल, चाहे ये वसाइल जिंदगी गुजारने के चीजों से मुताल्लिक हो, चाहे सफर से मुताल्लिक हो या दीगर वसाइल हो, ये जो सारे वसाइल दुनिया में ईजाद किए गए हैं, अगरचे ये चीजें नहीं हैं लेकिन इसका ताल्लुक दीन से नहीं है, शरीयत से नहीं है। इसीलिए इन चीजों को, इन उमूर को दीन में दाखिल नहीं किया गया है। और जो शरई बिदअत कहलाती है, शरई बिदअत में ये वसाइल, ये जदीद चीजें, ये जदीद उमूर दाखिल नहीं होते हैं। तो बिदअत में वो चीज दाखिल है जो दीन के नाम पर बनाई जाए, दीन के नाम पर नई चीज ईजाद की जाए और तकर्रुब इल्लाह की नीयत से, सवाब की नीयत से इन उमूर को अंजाम दिए जाए, लेकिन इनकी असल न अल्लाह की किताब में पाई जाती है, न सुन्नत में पाई जाती है और ना ही सहाबा के अमल से, इजमाए सलफ से हमें इनकी असल मिलती है, तो इस चीज को दीन में बिदअत कहा जाता है। बिदअत बड़ी खतरनाक गुमराही है। हर खुतबे में हम सुनते हैं कुल मुहदसतिन बिदअह वकुल बिदअतिन दलाला
وكل ضلالة في النار کہ دین میں ایجاد کی گئی ہر نئی چیز گمراہی ہے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے تو گویا کہ بدعت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے بدعتی کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ناقابل قبول ہے اللہ اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا بلکہ اس عمل پر بسا اوقات اس کو عذاب دیا جائے گا اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک شخص کو مسجد میں دیکھتے ہیں ممنوع اوقات میں نماز کا اہتمام کر رہا ہے منع کیا کہ نماز نہ پڑھو نماز ادا نہ کرو وہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد سوال کرتا ہے میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا نیکی کا کام ہی تو کر رہا تھا کیا اللہ مجھے نیک کام کرنے پر عذاب دے گا جو تم مجھے منع کر رہے ہو جو تم مجھے روک رہے ہو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جواب دیا کہا کہ اللہ تمہیں نماز پر عذاب نہیں دے گا بلکہ سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا کہ یہ عمل سنت کے مخالف ہے یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے یہ عمل بدعت ہے اللہ تعالیٰ اس پر تم کو عذاب دے گا قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اس کی تائید ہوتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں فتنے کا یہ لوگ شکار نہ ہو جائیں اور دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں بدعتی کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بدعتی کے لیے اس وقت تک بند کر دیا ہے جب تک کہ وہ اپنی بدعات کو ترک نہ کر دے اس سے باز نہ آ جائے بدعات ابلیس کے پاس گناہ اور معصیت سے زیادہ محبوب ہے گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے البدعات احب الى ابلیس من المعصیہ سلف کہا کرتے تھے کہ ابلیس کو بدعات گناہ سے زیادہ پسند ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سلف کہا کرتے تھے کہ اس لیے کہ معصیت کرنے والا شراب پینے والا شراب کو حلال اور اچھا سمجھ کر نہیں پیتا ہے زنا کرنے والا زنا کو اچھا اور حلال سمجھ کر نہیں کرتا ہے خواہشات نفس کا غلبہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کے مقابلے میں بدعت کرنے والا اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے اس کو اچھا اور نیک کام تصور کر کے انجام دیتا ہے اسی لیے بدعت ابلیس کو معصیت اور گناہ کے کام سے زیادہ محبوب ہے میرے محترم مسلمان دوستو بدعت کیوں پیدا ہوتی ہے بدعت انسان کی زندگی میں کیسے داخل ہوتی ہے اگر ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں تو بدعت کئی شکلوں میں کئی وسائل کئی طریقوں سے انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلا وسیلہ سب سے پہلی شکل طریقہ بدعت کے داخل ہونے کا کہ کوئی آدمی
कोई मुसलमान दीन में अपनी तरफ से कोई नई चीज ईजाद कर ले जिसकी साबित में मिसाल ना हो, शरीयत से जो चीज साबित ना हो अपनी तरफ से उसको ईजाद कर लेता है और यह समझता है कि इस पर मुझे सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, तो ये बिदात है। जैसे 15वीं शाबान को कियाम का एहतमाम करना, रजब में मुख्तलिफ रसूमात को अंजाम देना, ये चीजें शरीयत से साबित नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का एहतमाम करना, इन चीजों का सबूत शरीयत में पाया नहीं जाता। नई चीजों को ईजाद करके इंसान बिदात में चला जाता है, बिदात में दाखिल हो जाता है। बिदात की दूसरी शक्ल यह है कि शरीयत से साबित शुदा उमूर का कोई मुसलमान इनकार करे। जैसे मुनकिरी ने सुन्नत की बिदात है, सुन्नत पर अमल करना हर मुसलमान पर वाजिब है, सुन्नत हुज्जत है, सुन्नत दलील है। अगर कोई उसके दलील होने हुज्जत होने का इनकार कर दे और जो चीजें शरीयत से साबित हैं उनका इनकार कर दे तो यह भी बिदात है। शरीयत में जो चीजें साबित हैं जैसे हिजाब है, शरीयत से साबित है, कुरान से साबित है, कोई हिजाब का इनकार कर ले और कहे कि हिजाब शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये बिदात है। तो बिदात की दूसरी शक्ल जो चीज शरीयत से साबित हो, शरीयत से साबित शुदा चीजों का इनकार कर देना। बिदात की तीसरी शक्ल है जिसे आदमी बिदात में दाखिल हो जाता है कि किताब और सुन्नत के जो नुसूस है, कोई आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, आयत नुसूस के मानी में तहरीफ करना, उसके अल्फाज को बदल देना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने ताल्लुक से फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी है। तो अल्लाह ताला का इस्तवा ये किताब और सुन्नत से साबित है। कोई आदमी ये कहे कि इस्तवा इसका मतलब, इससे मुराद इस्तवा नहीं बल्कि इससे मुराद गलबा, इस्तौला और कहर है कि अल्लाह ताला बंदों पर गालिब है, बंदों पर कादिर है, वह काहिर है। जो मैना था किताब और सुन्नत के नसूस का उसको बदल दिया, उसको तब्दील कर दिया। एक और मिसाल है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए कुरान में हाथ को साबित किया, हाथ को साबित किया कि अल्लाह के हाथ हैं। कोई आए और कहे कि इससे मुराद कुदरत है, हाथ नहीं कुदरत है। तो जो नसूस पाए जाते हैं उसको बदल दिया, उसको तब्दील कर दिया, तो इससे भी आदमी बिदात में दाखिल हो जाता है, बिदात में चला जाता है। बिदात की एक और शक्ल है कि जिहालत की वजह से और जज्बात की रोह में बहकर बसा औकात एक मुसलमान बिदात में चला जाता है। ये कब होता है? जब इंसान उलमा से कट जाए, अपने तौर पर नुसूस को समझने की कोशिश करे, जज्बात को इस्तेमाल करे और जिहालत में किताब और सुन्नत के नुसूस को समझने में गलती कर जाए तो यकीनन वो मुसलमान बिदात में दाखिल हो जाएगा, सुन्नत से निकलकर बिदात में चला जाएगा। जैसे खवारिज की बिदात है, उलमा से कट गए, अहले इल्म पर तान और तशनी शुरू कर दी और किताब और सुन्नत के नुसूस को अपनी अकलों से समझने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ?
सुन्नत से निकल कर बिदात में दाखिल हो गए और रुए जमीन के सबसे बदतरीन मखलूक कहलाए। सबसे बदतरीन मखलूक रुए जमीन के। इसीलिए इंसान को चाहिए अगर वो बिदात से बचना चाहता है, इस्लाम पर सही तौर पर अमल करना चाहता है, तो उलमा से जुड़ा रहे। दीन वहां से सीखे जहां शरीयत दीन को सीखने का हुक्म देती है। ये कुछ शक्लें थीं, ये कुछ तरीके थे जिन तुरुक और वसाइल से इंसान बिदात में दाखिल हो जाता है, बिदाती बन जाता है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, जिस मुआशरे में हम जिंदगी गुजारते हैं, इस मुआशरे में हर तरह के मुसलमान बसते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ अफकार हैं, मुख्तलिफ मनाहिज हैं और मुख्तलिफ बिदअतें बाद मुसलमानों के पास पाई जाती हैं। तो इस मुआशरे में जिंदगी बसर करते हुए उनके साथ हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, कैसे उनके साथ हमारा सुलूक होना चाहिए, उनके साथ जिंदगी बसर करते हुए हमको क्या तरीका अपनाना चाहिए। किताब और सुन्नत के नुसूस और अइम्मा के अकवाल इस जानिब हमारी रहनुमाई करते हैं। बाद उसूल की शक्ल में मैं हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए उनके साथ, उन चीजों को बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज कि जिन मुसलमानों के साथ हम जिंदगी बसर करते हैं और उनके पास जो बिदातें पाई जाती हैं, मुसलमानों के पास पाई जाने वाली ये बिदातें यकसान नहीं हैं, बल्कि इन बिदातों में तफावुत पाया जाता है, बिदातों में इख्तिलाफ पाया जाता है। किसी की बिदात हल्की है और किसी की बिदात शदीद है, किसी की बिदात इंसान को कुफर की तरफ ले जाने वाली है और किसी की बिदात इंसान को कुफर तक न ले जाते हुए फिस्क तक पहुंचाने वाली है। कोई आदमी अपनी बिदात से काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकलकर कुफर में दाखिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो बिदातें जिनकी वजह से एक मुसलमान इस्लाम से निकलकर कुफर में चला जाता है। कोई ये कहे कि कुरान मजीद मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं, कुरान मजीद के अल्लाह के कलाम होने का इनकार करना इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। ऐसी बिदात है जिससे आदमी काफिर हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की सिफात का इनकार करना, इसी तरीके से अवलिया गैब का इल्म जानते थे, अवलिया फैज पहुंचाने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, इस किस्म का अकीदा रखना ये बिदअते मुकफ्फिरा है जिससे आदमी इस्लाम से निकलकर कुफर में दाखिल हो जाता है। और बाद बिदअते मुकफ्फिरा नहीं होती बल्कि फिस्क तक पहुंचाने वाली होती। आदमी इन बिदअतों से काफिर तो नहीं होता लेकिन इन बिदातों की वजह से आदमी फासिक हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल बयान की कि 15वीं शाबान को कियाम या सियाम का एहतमाम करना, रजब में बाद बिदातों का इर्तिकाब करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का एहतमाम करना, इससे आदमी काफिर तो नहीं होता लेकिन इससे फासिक जरूर होता है, इससे फासिक जरूर होता है, फासिक जरूर बन जाता है। तो मालूम यह हुआ कि जितने मुसलमान पाए जाते हैं हर एक की बिदात यकसान नहीं होती बल्कि बिदातों में तफावुत पाया जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे
कि ये जो बिदाते हैं उनके इर्तिकाब करने वाले बसा औकात अवाम होते हैं, अवाम जाहिल होते हैं, उन्हें पता नहीं शरीयत की नुसूस का। वो एतमाद करते उलमा पे, उलमा पे एतमाद करते हुए शरीयत के नुसूस को उनके तवस्सुफ से समझकर अमल करने की कोशिश करते हैं और उनके उलमा बसा औकात गलत रास्ते पर डाल देते हैं। तो आमी कोशिश ये होती है कि सुन्नत पर अमल करे, लेकिन उनके उलमा ने उसको सही रास्ते से गलत रास्ते पर डाल दिया, तो बेचारे आमी हरीस होता है बसा औकात, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा होता है, वो खैर का तालिब होता है, खैर पर अमल करना चाहता है। तो इस आमी का मामला उन उलमा की तरह नहीं हो सकता जो उलमा जानते हैं, उन्हें पता है कि ये बिदात है, ये गलत चीज है, ये शरीयत से साबित नहीं, महल अपने इमाम की तकलीद करते हुए बसा औकात बिदाती का शिकार हो जाते हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, दोनों में तफावत पाया जाता है। उलमा के साथ हमारा जो तर्ज अमल होगा वो एक आमी के साथ नहीं होगा। आमी चूंकि जाहिल होता है, उसको समझाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, उसके साथ नरमी का मामला किया जाएगा। उसके बरखिलाफ जो आलिम होते हैं, उलमाए सू होते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि बिदअत क्या है, सुन्नत क्या है, उसके बावजूद अवाम को गुमराह करने के लिए, अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए, अपने मजहब को तर्क न करने के लिए बिदअत में मुलव्वत हो जाते हैं, तो उनके साथ जो मामला किया जाएगा वैसा सुलूक, वैसा मामला अवाम के साथ नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से एक और फर्क भी हमें मलहूज रखना जरूरी है। बसा औकात हमारा मुकाबला काफिरों के साथ होता है, जो कलिमा का इकरार करने वाले नहीं हैं। काफिरों के साथ अगर हमारा मुकाबला हो, तो जब काफिरों के साथ हमारा मुकाबला हो और मिलनी मसाइल हमारे सामने हो, तो ऐसी सूरत में हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि सारे मुसलमानों को इन मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे करने की कोशिश करें, सारे मसाइल के साथ, सारे मुसलमानों के साथ मिलकर इन मसाइल को हल करने की कोशिश होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि आजादी से पहले भी मुसलमानों के साथ इस मुल्क में मसाइल पाए जाते थे, आजादी के बाद भी मसाइल पाए जाते थे, और दौरे हाजिर में भी ये मसाइल पाए जाते हैं जो मिल्ली मसाइल कहलाते हैं। मुसलमानों के वजूद और बका का जहां सवाल आ जाए, तो ऐसी सूरत में सारे मुसलमान इनके लिए इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जब तातारियों ने हमला किया, काफिरों ने मुस्लिम ममालिक पर चढ़ाई की, तो उनके हमले करने की सूरत में सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई और मुसलमान उलमा ने दलील ये दी कि हमारा मुकाबला कुफार से है, ऐसे लोगों से है जो कलिमे का इकरार नहीं करते। चूंकि मुकाबला उनके साथ है, तो उनका मुकाबला करने के लिए सारे मुसलमानों को जमा हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्ला की इस सिलसिले में बड़ा किरदार है, बड़ी कोशिशें रही। हिंदुस्तान में भी आप देख लें कि जब मिल्ली मसाइल को हल करने का, मिल्ली मसाइल को हल करने का मौका आया, तो उस मुनासिबत से मुसलमानों ने जमीयते उलमा को कायम किया और इसको कायम करने में सारे मुसलमानों के उलमा जमा थे, सारे मुसलमानों के उलमा इकट्ठे थे। उनमें मौलाना सनाउल्लाह मुरसरी रहिमहुल्ला भी थे और दीगर फिरकों के उलमा भी पाए जाते थे। जमीयते उलमा को कायम करने का मकसद ये था कि मुसलमान एक जगह जमा होकर जो मिल्ली मसाइल पेश आते हैं उनको हल करने की कोशिश करें, ताकि मुसलमानों का वजूद इस सरजमीन पर बाकी रह सके। तो यहां भी
उलमा ने जब मुकाबला काफिरों के साथ हो तो बिदातों को दरकिरार करने का उलमा ने हुक्म दिया और एक साथ एकजुट होकर मुकाबला करने का, एक साथ एकजुट होकर सारे उलमा ने उनका मुकाबला करने के लिए शरीयत के और सलफ के नुसूस को सामने रखते हुए रास्ता बनाया, रास्ता तैयार किया। और अगर मुसलमानों का मुकाबला रवाफिद के साथ हो, आप जानते हैं कि सबसे बदतरीन जमात, सबसे बदतरीन फिरका अगर मुसलमानों में कोई पाया जाता है तो वो रवाफिद का फिरका है, जो सहाबा को गाली देते, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह सहाबा पर कुफ्र का हुक्म लगाते हैं, अल्लाह की किताब में तहरीफ के कायल हैं। जब मुकाबला उनसे हो तो इसी सूरत में मुसलमानों के जो दीगर सारे फिरके पाए जाते हैं उन सारे फिरकों को मुसलमानों ने अहले सुन्नत वल जमात में शामिल किया। अहले सुन्नत का लकब उनको अता किया इसलिए कि शिया के मुकाबले में, रवाफिद के मुकाबले में ये फिरके अइम्मा सलासा के खिलाफत के कायल हैं, ये फिरके अदालत सहाबा के कायल हैं, ये फिरके कुरान के मुकम्मल होने के कायल हैं। तो जब मुकाबला शिया और रवाफिद से हो तो इसी सूरत में ये सारे फिरके अहले सुन्नत वल जमात में शुमार किए जाएंगे, माने जाएंगे और इनको अहले सुन्नत वल जमात में तस्लीम किया जाएगा, माना जाएगा। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, ये पहला असल है। इस असल को अगर हम मलहूज रखें तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दूसरा जो असल है, बिदातियों के साथ मामला करने के लिए कि जो अहले बिदात पाए जाते हैं, खुसूसन उनके रोसा, उनके उलमा, उनके वो दुआत जो इंसानों को गुमराह करने के काम पर लगे हुए हैं, इनके साथ अगर हमारा तर्ज अमल हो तो मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, दूसरा असल ये है कि जितनी बिदात उनके पास पाई जाती है उतनी हम उनसे नफरत करें, उतना उनके साथ हम बुग्ज रखें, और जितनी सुन्नत उनके पास पाई जाती है उनसे उतनी हम मोहब्बत करें। इस्लाम का एक अहम जुज है, इस्लाम का एक अहम हिस्सा है कि जिस आदमी के पास जितनी बिदात पाई जाती है उससे आप उतना बुग्ज रखें, और जितनी सुन्नत उसके पास पाई जाती है उससे आप उतनी मोहब्बत करें। बुग्ज रखना ये ईमान के मुकम्मल होने की निशानी है, ईमान के मुकम्मल होने की अलामत है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता लिल्लाह व मना लिल्लाह व अहब्बा लिल्लाह व अबغض लिल्लाह व अनकह लिल्लाह फकद इस्तकमल अल ईमान। कि जो आदमी अल्लाह के लिए देता है, जो आदमी अल्लाह के लिए मना करता है, जो आदमी अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है किसी से, जो आदमी किसी से अल्लाह की खातिर बुग्ज रखता है, और जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए अपनी औलाद, अपनी बेटियों का दीन के एतबार करते हुए निकाह करवाता है, ऐसे आदमी ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया, ऐसे आदमी ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। मेरे दोस्तों, ये ईमान के मुकम्मल होने की निशानी है कि आदमी के पास जितनी बिदात पाई जाती है हम उससे उतना बुग्ज रखें, और जितनी सुन्नत पाई जाती है उससे हम उतनी मोहब्बत करें। अगर किसी बिदाती से अलल इतलाक मुकम्मल हम मोहब्बत करते हैं तो गोया के दीन को ढाने में हमने अपना हिस्सा डाला है, दीन की बुनियादें कमजोर करने में हमने अपना किरदार अदा किया है। इसीलिए सहाब का सलफ कहा करते थे, मन वक्कर साहिब बिदातिन फकद आन अला हदमिल इस्लाम। जो आदमी किसी बिदाती की तौकीर करता है गोया के उसने दीन को ढाने में अपना किरदार, अपना हिस्सा डाला है। अगर हम
दीन को ढाने में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में अलल इतलाक मुकम्मल किसी बिदाती से मोहब्बत करें। अगर अगर ईमान मुकम्मल करना चाहते हैं तो जितनी सुन्नत उसके पास पाई जाती है उतनी मोहब्बत करें और जितनी बिदात पाई जाती है उससे उतना बग़्ज़ रखें। इसी तरीके से बिदातियों के साथ मामला करते हुए एक असल ये भी है कि आदमी उनकी सोहबत इख्तियार करने से बचे। जो बिदाती हैं खुसूसन दुआत बिदात की दावत देने वाले, बिदात पर उभारने वाले, बिदात के जरिए लोगों को गुमराह करने वाले, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करने से मुसलमानों को बचना चाहिए। बल्कि सलफ यहां करते थे, अगरचे मसाओकात ये बात बड़ी शदीद लगेगी लेकिन बड़ी अहम बात है। अबुल जौजा रहिमहुल्ला फरमाते हैं कि मुझे पसंद है कि किसी खिंजीर के साथ बैठ जाऊं, किसी बंदर के साथ बैठ जाऊं बनिस्बत इसके कि किसी बिदाती की सोहबत में इख्तियार करूं। किसी बिदाती की सोहबत इख्तियार करने से ये ज्यादा मेरे पास महबूब है, ये ज्यादा मेरे पास पसंदीदा है। क्यों? आप किसी जानवर के साथ बैठ जाते हैं तो जानवर के पास जानवर के साथ बैठने की वजह से आपके ईमान में आपके इस्लाम में कोई खलल पैदा नहीं होगा, आप सुन्नत से दूर नहीं हो जाएंगे। उसके बिलमुकाबिल अगर किसी बिदाती के साथ आप बैठते हैं तो ऐसी सूरत में आपके ईमान में खलल आ सकता है, आपके दीन में खलल आ सकता है, सुन्नत से आप दूर हो सकते हैं। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि उन लोगों की सोहबत इख्तियार करने से बचे, और खुसूसन उस वक्त जब हम उनकी सोहबत इख्तियार करने से कोई और मुसलमान धोखा खा सकता हो। एक जाहिल है, उसको पता नहीं कि बिदाती है, लेकिन किसी सुन्नी आलिम को उनके साथ देख लिया कि सुन्नी आलिम उनके साथ बैठे हुए हैं तो वो समझेगा कि ये भी अहले सुन्नत वल जमात के, ये भी सही आलिम है, इनका अकीदा भी सही होगा और धोखा खाकर उनसे दीन सीख सकता है, धोखा खाकर उनसे तालीम हासिल कर सकता है, उनकी तरबियत में आ सकता है। और अगर उनकी तरबियत में आ गया तो वो जाहिल गुमराह हो सकता है। लिहाजा बचना चाहिए किसी बिदाती की सोहबत इख्तियार करने से। एक असल ये भी है बिदातियों के साथ तामल करने में कि किसी बिदाती से इल्म ना सीखे, इल्म हासिल ना करें। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मैं इस नुक्ते को जो बड़ा अहम नुक्ता है आपके सामने लाना चाहूंगा, इसलिए कि आज गैर शुऊरी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के बाल अफराद अहले बिदात से इल्म हासिल करते हैं, अहले बिदात से सीखते हैं, बल्कि शायद ही कोई घर ऐसा ना हो जिस घर में अहले बिदात की कुरान की तफसीर न चलती हो। आजकल डॉक्टर असरार अहमद, शायद नाम आप भी जानते होंगे, नाम आपने भी सुना होगा, कुरान की तफसीर बड़े शौक से सुनी जाती है, बड़े शौक से सीखी जाती है, जबकि मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि अहले हदीस पर तान करने वाले, अहले हदीस पर कलाम करने वाले, वहदतुल वजूद का अकीदा रखने वाले ये बिदाती शख्स थे। इनसे कोई इल्म हासिल करे, इनसे कोई इल्म सीखे, इनसे शरीयत मालूम करे, वो भी कुरान मजीद का इल्म। बड़ी अजीब बात है, एक मिसाल मैं बयान कर रहा हूं, वरना इस किस्म के बहुत सारे जो वसाइले इत्तेसाल हैं, जैसे व्हाट्सएप है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ ग्रुप बने होते हैं, अवाम तो अवाम, बाद उलमा, बाद तुल्लाब इल्म भी बगैर तफरीक के बसा औकात उनके क्लिप्स भेजते हैं।
तफरीक नहीं करते कि बिदाती आलिम है कि सुन्नी आलिम है, हत्ता के शिया और रवाफिद की तकारीर को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, भेज देते हैं ग्रुप में, और ये कहते हैं कि बात बड़ी प्यारी है, बात बड़ी अच्छी है। मेरे दोस्तों, बात कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, किसी बिदाती से इल्म सीखना मुसलमान के लिए जायज नहीं है। पता नहीं वो कब आपको गुमराह कर दे, कब आपको राह रास्त से भटका दे, कब बिदात को सुन्नत की शक्ल बनाकर आपके सामने पेश कर दे। बचना चाहिए, खुसूसन जो ना जानने वाले जाहिल अवाम है उनको बचना चाहिए। सबसे पहले आप मालूम करें कि जिसकी पास आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, आया वो सुन्नी है, उसका अकीदा सही है, मनहज दुरुस्त है। अगर आपको मालूम हो जाए कि अकीदा सही है, मनहज दुरुस्त है, तो आप उसके पास इल्म हासिल करें, उससे सीखें, वरना आप उसके पास इल्म हासिल करने से बचें। इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, लम यकूनु यसअलूना अलिल इस्नात, इब्तदाई जमाने में फिरके बनने से पहले, फितने वाके होने से पहले सनद की जरूरत नहीं थी, मालूम करने की जरूरत नहीं थी कि कौन सुन्नी आलिम है कौन बिदाती आलिम है। जब फितने वाके हुए, खवारिज और रवाफिद की शक्ल में फिरके जहूर में आए, वजूद में आए, तो लोगों ने मालूम करना शुरू किया कि कौन आलिम है जिसका अकीदा सही है, कौन आलिम है जो अहले सुन्नत वल जमात का है कि उससे इल्म लिया जाए, और कौन आलिम बिदाती है जिससे बचा जाए और जिससे इल्म हासिल न किया जाए। ये असल है, ये बुनियाद है अहले सुन्नत वल जमात की। इस बुनियाद को आज हमने तर्क कर दिया है अपने कॉन्फ्रेंसों में, अपनी मजालिस में। क्या जरूरत है कि अपनी मसाजिद में किसी और को बुलाया जाए, किसी और को दावत दी जाए? क्या हमारे पास उलमा की कोई कमी है? हर मसले पर, हर मजमून पर गुफ्तगु करने वाले उलमा हमें मिल जाएंगे। बाद लोग कहते हैं, ये शुभा पेश करते हैं कि बाद मामलात में, बाद मौजूआत में अहले हदीस की किताबें नहीं पाई जाती, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की किताबें नहीं पाई जाती, मजबूरन हमें उनकी किताबों का रुख करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मुझे बताओ कौन सा मौजू है जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने तिशना छोड़ा, जिसमें उन्होंने किताबें न तहरीर की हो, किताबें न लिखी हो, उनके खुतबात न पाए जाते हो? एक मौजू मुझे दिखा दें। हर मौजू पर यह हमारा अपना जहल है कि हमने तलाश नहीं किया, हमने मालूम नहीं किया, हमारी अपनी अपना कसूर है, अपना नुकसान है, अपना जहल है, जिसको बुनियाद बनाकर हम अहले बिदात से इल्म हासिल करने के हीले उधर तलाश करते हैं, बहाने बनाते हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अगर कोई अहले बिदात से इल्म हासिल करता है तो बड़ा खतरनाक नुकसान हो सकता है। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा के पास एक आदमी आया, नजदा अल हरूरी, खारिजी था, उसके अकवाल को पेश करने लगा, उसके अकवाल को बयान करने लगा। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा अपने काम में मसरूफ है, उसकी तरफ तवज्जा तक उन्होंने नहीं दी, उनके अकवाल को नहीं सुना। आदमी सवाल करता है, क्या बात है कि आप मेरे अकवाल को नहीं सुनते? कहा कि दिल बहुत कमजोर है, दिल बहुत कमजोर है, कहीं दिल में अगर उसकी बात बैठ जाए मेरे गुमराह होने का खदशा है, गुमराह होने का डर है, इसीलिए मैं उनकी गुफ्तगू को सुनना नहीं चाहता। इमाम ताऊस रहिमहुल्ला अपने बेटे के साथ एक महफिल में बैठे हुए थे, एक मोतजिली आया और इमाम ताऊस के साथ बहस करने लगा। इमाम ताऊस ने अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अपने कानों में उंगलियां डाल लो और बहुत मजबूती से डालना कि इसकी जरा सी भी आवाज तुम्हारे कानों में जाने ना पाए, जरा सी भी आवाज तुम्हारे कानों में दाखिल ना होने पाए। रावी इस वाकये के
सबब बयान करते हुए कहते हैं ताऊस को अपने बेटे पर खौफ हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मोतजिले की बात को सुन लिया तो बसा औकात उसकी बात दिल में दाखिल हो जाएगी, दिल में घर कर जाएगी, और दिल में अगर बात दाखिल हो गई तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे दोस्तों ये आसार हैं सलफ के, बल्कि बसा औकात कुछ बिदाती आते कुरान की तिलावत करना चाहते, कुरान पढ़ना चाहते कि कुरान की एक आयत हमसे सुन ले, अइम्मा इजाजत ना देते कि कुरान की एक आयत भी पढ़ने की हम इजाजत नहीं देंगे। वजह क्या थी? कहीं ऐसा ना हो कि कुरान की आयत सुनने के बाद आवाज प्यारी होने की वजह से उसकी मोहब्बत दिल में ना बढ़ जाए और कहीं दीगर चीजें भी उससे सीखना शुरू ना कर दें। इस डर से, इस डर, इस खौफ से कुरान की एक आयत भी सुनना गवारा ना करते। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, आखिरी नुक्ता दो मिनट में मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अहले बिदअत पर रद्द करना, उनके अकवाल उनके अमाल पर इनकार करना, ये अहले सुन्नत वल जमात का मनहज है, उनका तरीका है, बल्कि ये वो नेकी है, ये वो खैर है, ये वो सवाब का काम है कि अगर आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, जितना सवाब नमाज पढ़ने वाले को मिलेगा, रोजा रखने वाले को मिलेगा, उससे बढ़कर सवाब इंसान को अहले बिदात पर रद्द करने की वजह से मिलेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्ला से सवाल किया गया, पूछा गया कि एक आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, एहतिकाम करता है, और दूसरा आदमी अहले बिदात पर कलाम करता है, दोनों में सवाब किसको ज्यादा मिलेगा, दोनों में अफजल कौन है? इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्ला ने जवाब देते हुए कहा, इंसान नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज उसकी जात के लिए है, उसका रोजा उसकी जात के लिए है, उसका एहतिकाम करना उसकी जात के लिए है, दीगर मुसलमान उससे फायदा हासिल नहीं करेंगे। अगर कोई बिदाती पर रद्द करता है, उस पर कलाम करता है, इनकार करता है, न सिर्फ उसका फायदा उसकी जात को होगा बल्कि उमूमी मुसलमानों को उससे फायदा होगा। तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अफजल है। शेखुल इस्लाम तैमिया रहिमहुल्ला ने सलफ से कौल नकल किया, कहा कि बिदाती पर रद्द करने वाला, बिदाती पर इनकार करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह, अल्लाह के रास्ते में कोई जिहाद करता है। मेरे दोस्तों अगर कोई काफिर हमला कर दे तो ज्यादा से ज्यादा इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर कोई बिदाती अपने अकवाल अपने अकाइद के जरिए किसी पर हमला कर दे उसके दिल को बर्बाद कर देगा, दिल बर्बाद हो जाएगा तो सारा जिस्म बर्बाद है, सारे आदा बर्बाद हैं। तो ये दिलों पर हमला करते हैं और काफिर जिस्म पर हमला करता है, दिलों का नुकसान जिस्म के नुकसान से ज्यादा बड़ा है। इसीलिए शेखुल इस्लाम तैमिया रहिमहुल्ला ने सलफ का अकवाल सलफ का कौल नकल किया कि बिदातियों पर रद्द करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। लेकिन आज हमने इस बाप को भी तर्क कर दिया, छोड़ दिया कि बिदातियों पर रद्द करेंगे तो इसी सूरत में मुसलमानों में नफरतें पैदा होंगी। मेरे दोस्तों बिदातियों पर रद्द करना तर्क करने के बाद कौन सा इज्तिमा हो गया है, कौन सा इत्तेहाद कायम हो गया है? बल्कि दूरियां मजीद बढ़ गई हैं, नफरतें मजीद ज्यादा हो गई हैं। इसलिए मुसलमानों से खुसूसन मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि दीन को समझें, दीन को सीखें, किताब और सुन्नत के नुसूस को समझकर, सुन्नत की अहमियत को समझकर, और बिदात की जो खतरनाकी है उसको मालूम करके अपने इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत की अहमियत को समझने और बिदात की खतरनाकी को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सीखने और उस पर आमिल बनाकर जिंदा रखे, मौत दे तो अल्लाह ताला ईमान पर तौहीद पर सही मनहज सही अकीदे पर मौत अदा फरमाए, हुस्न खात्मा नसीब फरमाए, सोए खात्मा से बचाए, अल्लाह ताला जन्नत में जगह अदा फरमाए, जहन्नम और कब्र के अदाब से बचाए। आमीन व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।